शाहजहांपुर में घरेलू कलह के चलते एक सिरफिरे पति ने पत्नी और बच्चों को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटनाक्रम में पति की मौके पर मौत हो गई और पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है और आरोपी पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना कटरा थाना क्षेत्र के इंद्रपुर गाँव की है। झगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तब से कुछ काम नहीं कर पाते ना कुछ करते, और बस जमीन की धमकी दिखाते रहते बंदूक उनके नाम ही, और ना बच्चों को पैदा करते ना जमीन कम देते ना खिलाते, कुछ भी नहीं, वैसे कोई मतलब नहीं। और आगे हमें चलाते हैं, बाद में हमें पाप लगाते हैं। तो आप शक करते थे आप? हाँ, शक करते रहते हैं। जैसे तुमने अगर पढ़ा दी उसी पर पड़ जाते हैं, तुम कह दो ऐसा काम ऐसे तेरी औरत करे, वह बात मान जाते हैं। आज क्या हुआ? दूसरों को लोगों से कैसे फैर मारा मेरे। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, बदनामी करते पीते रिश्तेदारी में, रिश्तेदार नहीं सुनते, रिश्तेदार समझा देते भगा देते। थाने भी कई बार झगड़ा हुआ, थाने भी पुलिस वालों ने समझा कर पठाया, उन्हें कुछ मालूम किसको उसको गोली मारी, किसको उसको गोली मारी। आज आज 2-3 बजे बंदूक छुटा के लाए, 2-2.5 बजे की बात है, थाने से ऐसे टाइम से लाए। जब ला के दूसरी जगह में रख ली, जब शाम 7 बजे टाइम था तो हुआ, वहाँ से बंदूक भर के लाए तो हमसे बोले कि घर से निकल, तो हम घर से नहीं निकले। हमने कि घर से कैसे निकले, हमारे बच्चा सियाने लड़का की शादी, हमने बैसाख में घर से नहीं निकले। सवेरे एप्लीकेशन लिख के रहे थे कि हमारी महरुआ बदमाश है, कई भाई एप्लीकेशन थाने में दी, इतलाहार दी, सिगरेट दे के तब फायर मारा है। किसके मारा? हाँ, किसके किसके मारा? तो 7 बजे मैंने फायर मारा, दोनों नालन में गंदूकन में दी थरवारे काटते थे, और ये नहीं पता कानपुर आज खरीद के लाए हैं कि क्या बैराज, मुझे क्या पता। मैं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों से पूछताछ के बाद मामले की जांच शुरू कर दी और जिस पिस्टल से गोली मारी गई उसे भी बरामद कर लिया गया। इसका गांव एक इंदरपुर है, वहां के ये रहने वाले थे और इनके पति दिमागी रूप से कुछ परेशान रहते हैं। आपस में घर पे कुछ झगड़ा हुआ, उसमें उसने फायर किया जिससे उसकी पत्नी और एक बच्चे को लगा हुआ है फायर। दोनों की हालत डॉक्टरों ने ठीक बताई है, इलाज चल रहा है, यहाँ पर इनको एडमिट कराया गया यहाँ पर। बाकी जो इनका पति था उसने भी सुसाइड कर लिया है, गोली मार के आत्महत्या कर लिया है, उसका शव पुलिस ने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है। जो बंदूक थी इनके घर में उसको बरामद किया गया है और अन्य कार्रवाई जो है जाँच होगी, उसमें जो भी तक सामने आएंगे उसके आधार। बताया जा रहा है कि पति ओमपाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो अक्सर परिवार वालों से मारपीट करता था। इसकी कई बार थाने में शिकायत भी की जा चुकी है। इसी बात से नाराज होकर उसने लाइसेंसी बंदूक से हत्या कर दी।